और अब बात करते हैं टर्की और सीरिया की, जहां दो मैसिव अर्थक्वेक्स के बाद से डेवेस्टेशन नज़र आ रही है हर तरफ, कई सिटीज़ और टाउन्स में, ऑल अक्रॉस सदर्न टर्की और नॉर्थ वेस्ट सीरिया में, जो कि बन गया है वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स इस सेंचुरी का, जब डेथ टोल कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और इस समय करीब है 20,000 के, क्योंकि अर्थक्वेक सर्वाइवर्स ने शुरुआत कर दी है दफनाने की विक्टिम्स को 4 दिन के बाद, जब से इस डिजास्टर ने तबाही मचाई है पूरे रीजन में। फुटेज में देखा जा सकता है कि खोद दी गई हैं नई कब्रें, जो कि तेजी से भर रही हैं अर्थक्वेक विक्टिम से। हर तरफ सर्दी, हंगर और डिस्पेयर नजर आ रहा है, जब कई हजार लोग होमलेस हो गए हैं टर्की और सीरिया में, जब होप्स भी खत्म हो रही हैं सर्वाइवर्स की। Bitirdim ya bana. Sinan. Bakarım. Arkadaş hazırlayın bir hemen bakalım. Arkadaşlar bu seti de değiştirelim. Değiştirelim. Bir dakika, bir dakika, yavaş yavaş. La bir sakin olun. Sessiz olun. Ambulans önüne, ambulans. और वीडियोस जो कि हासिल की जा रही हैं डिफरेंट रेस्क्यू एफर्ट्स की में देखी जा सकती हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स जब रेस्क्यूज मुसलसल काम कर रहे हैं बचाने का सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को, सिचुएशन इतनी बुरी है टर्की के ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन IHH के रेस्क्यूर इमोशनल हो रहे हैं जब वो रेस्क्यू कर रहे हैं विक्टिम्स को। अथॉरिटीज़ का कहना है कि करीब 6,500 बिल्डिंग्स टर्की में कोलैप्स हुई हैं, जबकि काउंटलेस और डैमेज्ड हैं अर्थक्वेक जोन में, जहाँ करीब 13 मिलियन लोग रहते थे। Aşağıda olsun. 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 Aşağıda ols